फायदेमंद है। ठीक है, मैं इसको तोड़ कर डाल रहा हूँ। सभी बकरिया बच्चे दिख रहे हैं आप, बहुत गजब से खा रहे हैं। ठीक है, सभी खाएंगे। तो खिलाने से कितना बेनिफिट है, इसमें फाइबर, पत्ते और बीज, बीज भी एकदम सिंपल वही है। ठीक ना, तो जब बकरिया बहुत चार्ज खाती है, मैं इधर डाल दे रहा हूँ, सभी बकरिया खा लेंगी। और नमस्कार दोस्तों, मैं उमेंद्र मौर्य, मौर्य आईटी गोट फार्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरे हाथ में देख रहे हैं यह हाइड्रोपोनिक चारा है, जिसको मक्का को मैंने उगाया था। इससे बकरियों का, बच्चों का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, सभी बकरियां बच्चे बहुत खाती हैं। इसका वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगा एक दो दिन में, कि कैसे मैंने बनाया, कैसे ग्रो कराया, बहुत फायदेमंद है। ठीक है, मैं इसको तोड़ कर डाल रहा हूँ। सभी बकरियां बच्चे दिख रहे हैं आप, बहुत गजब से खा रहे हैं। ठीक है, सभी खाएंगे टोटली। ठीक है, जितने भी बकरी बच्चे हैं सभी खाएंगे इसको, और यह बहुत फायदेमंद है बकरियों के लिए। और हाइड्रोपोनिक लगाना बहुत आसान है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक लगाना बहुत आसान है। इसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं, चैनल पर है। पहले क्या मैं डाला हूँ, एक में देखिए इसको खिलाने से कितना बेनिफिट है। इसमें फाइबर, पत्ते और बीज, बीज भी एकदम सिंपल वही है। ठीक ना, जैसे बकरियाँ बहुत चार्ज खाती है, मैं इधर डाल दे रहा हूँ, सभी बकरियाँ खा लेंगी। और हम लोग बच्चों को, बकरियों के इस समय यह खिलाना शुरू कर दिए हैं। और देखिए सभी बकरियाँ बच्चे जड़ के साथ, देखिए इसको, देखिए जड़ बीज सभी खा रहे हैं। इससे ये फायदा है, एक किलो आप चारा लगाते हैं तो एक किलो से 10 किलो तैयार होगा, और एक किलो से 10 किलो तैयार होगा। देखिए सभी बकरियाँ खा रही हैं, बच्चे बकरियाँ। जैसे आज भिगो रहे हैं आप, इसको लगा देंगे तो 10 दिन बाद ये 10 किलो तैयार होगा। ठीक ना दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि 1 जुलाई से नया बैच शुरू हो रहा है, 1 जुलाई। वो ट्रेनिंग जो है या फ्री है, आप सभी लोग इस ट्रेनिंग को ज़रूर ज्वाइन करें, और इस ट्रेनिंग से आप सभी को लाभ होगा ज़रूर। और ये ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त है। और देख, ये सभी बकरी एकदम आराम से नू से खा रही है, देखिए पंकज दिखाइए। और बीज के साथ पूरा खा रही है, ऐसा नहीं है कि बीज नहीं खा रही है, सभी चीज़ें खा रही हैं इसमें। और देखिए बच्चों के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, बकरियों के लिए भी, सभी के लिए यूज़ करते हैं। और इससे मुझे प्रॉफिट बहुत दिख रहा है। 1 किलो गेहूँ आप भिगो रहे हैं, या मक्का लगाइएगा, मक्का लगाएंगे तो यह पानी ज़्यादा लेता है मक्का, जो गेहूँ जो है, गेहूँ सड़ जाता है लेकिन मक्का जो है आपका नहीं सड़ेगा। असल में प्रिफेयर करता हूँ कि मक्के को लगाने के लिए सभी लोगों को, तो मक्का को हाइड्रोपोनिक आप कर सकते हैं, सिर्फ पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक ना, और देखिए सभी बकरियाँ जितनी भी हैं, सभी बकरियाँ खा रही हैं मेरी। और ये आधे किलो मक्के का लमसम ये था, दो, ठीक ना, आधे किलो दोनों में पड़ा था लमसम। और देखिए सभी बकरियाँ सभी साफ़ कर जाएंगी, जितना इसमें दाना है, चारा है, देखिए इसी में हम लोग लगाते हैं। देखिए इसको हमने इसमें छेद कर दिया है, मिस साइड देख सकते हैं, इधर दिख रहा होगा सर, देखिए इसमें छेद है। और इसमें हम लोग पानी डालते हैं, देखिए मैं बाहर समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। मैंने 2 ट्रे यूज़ कर दिया आज, और 2 ट्रे अभी है। आइए इधर आइए पंकज जी, देखिए सभी बकरी का मार कर दिए खाने के लिए, और बहुत चाव से खा रही है। ऐसा नहीं है कोई बकरी ऐसी नहीं है जो ना खाए, सभी बकरियाँ खा रही हैं, कोई बाहर जा खा रही हैं, कुछ अंदर खा रही हैं। और मैं देखिए मुर्गों को भी मैं छोड़ूंगा, जो हमारे फार्म पे मुर्गे हैं उसको भी मैं छोड़ूंगा, तो वो सब भी खाएंगे, सभी के सभी। देख सकते हैं हमने बकरियों के लिए जो डाला था बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत दाने बचे हुए हैं। तो हम लोग अब मुर्गे को खोलेंगे, देखिए मुर्गों को हमने जो रखा है उसको खोलेंगे। और मुर्गे जो दाना बचा हुआ है ना, तो वेस्टेज फार्मिंग में अगर आप मुर्गे रखते हैं फार्म पे अपने, तो मुर्गे रखेंगे तो फार्म पे वेस्टेज नहीं होगा कोई भी चीज़, क्योंकि अभी का मुर्गा है ना, अब जितना दाना ये बचा हुआ है देखिए ज़मीन पे, देखिए देख रहा है ना, देखिए सभी मुर्गे अब दाना इसमें से बीन कर खा जाएंगे। कुछ बकरियाँ, मतलब मेरी गलती है थोड़ी बहुत, कि हमने क्या किया था, बर्तन में नहीं डाला था, जिससे इसमें मिट्टी लग गया है थोड़ा बहुत, इतना ही जड़ छोड़ी है सिर्फ। लेकिन मुर्गे जो हैं आधे घंटे में सारा जितना इसमें गिरा हुआ है दाना, देखिए सभी मुर्गे जितने दाने बीन कर खा जाएंगे। देखिए बाहर हमने जो डाला था, इधर आप देखे होंगे, इधर मैंने डाला था, यहाँ तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है कहाँ पर था कहाँ नहीं, सभी बकरियाँ खा गई हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, उधर कमी डालते हैं, इधर बाहर डालते हैं, इसलिए कि इधर घास होता है तो इसमें मिट्टी नहीं लग पाता है। बकरियाँ देखिए सभी बकरियाँ खा ली, खाने के बाद मौज कर रही हैं सब, सभी की सभी, देख रहे हैं सभी की सभी एकदम खा कर टुल। तो ऐसे आप फ्री रेंज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। देखिए अब मुर्गे हैं जो हैं, अब जो बचा हुआ है देखिए, मुर्गे दाना बीन कर खा रहे हैं, बकरियाँ भी खा रही हैं, अभी ऐसा नहीं है बकरियाँ नहीं खा रही हैं, बकरियाँ भी बीन रही हैं, उसको खा रही हैं, और हम सब ये खा जाएंगी सभी की सभी। जहाँ तक मुझे ऐसा है कि सभी सभी बीन कर बकरियाँ जो है देखिए खा जाएंगी, अभी खा भी रही हैं।
तो उसमें कोई वेस्टेज कुछ नहीं होगा क्योंकि सब बकरियाँ बच्चे जो हैं बहुत चाव से खा रहे हैं। और देखिए बकरी मेरी बच्चा देने वाली है, थन देखिए कितना शानदार करी है, तो दो चार दिनों में बच्चा दे देगी। और ये देखिए सभी मुर्गे और मुर्गियाँ बकरियाँ सभी तहलका मचा दिए हैं सब खाने के लिए। तो ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और चैनल पर अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही में जो 1 जुलाई से ट्रेनिंग शुरू हो रही है उसको ज्वाइन करें। और मैं दिखाना चाहता हूँ मैंने कैसे बनाया है इसको। देखिए हमने यहाँ पे इसको सेट किया है, और इसको जैसे पहले तो और ज़्यादा था लेकिन अभी हमने कुछ उतार दिया स्पेस से। यह कबाड़ हमने लिया था, ये मोटर लगाया है, या जो पाइप है गैस वाली वो है, इधर मोटर इधर हमारा काम करता है, इधर से नीचे से पानी चढ़ाता है ऊपर की तरफ, और इसमें छेद है, सभी इसमें गिरते हैं, इधर से नीचे इस पाइप में गिर के चले जाते हैं। आप चाहें तो अगर ये नहीं लगाते हम तो मक्का को अंकुरित कर लीजिए, सुबह में छान कर रख दीजिए, उसके अगले दिन सुबह में अंकुरित हो जाएगा। सभी ट्रे में बिछा कर ऊपर से कपड़ा डाल दीजिए, ठीक ना, मोटा जो बोरा होता है, जो सूती वाली बोरी, उसको डाल दीजिए और 24 घंटे छोड़ दीजिए, सभी बीज अंकुरित हो जाएंगे, जम जाएंगे। उसके बाद इसमें पानी आप 3 घंटे 4 घंटे पर एक बार डालते रहेंगे और तब ऐसे तैयार हो जाएंगे। देखिए अभी ट्रे में, तो इसको लोग बच्चों को खिलाएंगे, जो बच्चे हमारे यहाँ छोटे छोटे उनको लोग खिलाएंगे। देखिए इसमें हमने थोड़ा जल डाला है, देखिए वो मार रही है इसको, और सभी बकरी है, देखिए बच्चे भी हैं दाने को खा रहे हैं, देखिए वो दाने को उठा उठा जो है सभी, कुछ बकरियाँ दाने को खा रही हैं, कुछ बकरियाँ उसकी जड़ को खा रही हैं, कुछ सभी खा रही हैं, लेकिन खाएंगी सभी। खिलाने से पहले आपको धूल देना, थोड़ा पानी था इसमें मैं बताना चाहता हूँ, अभी मैंने धुला था वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग धुल कर 1-1.5 घंटा पानी को सूखने दें, ठीक ना, बाहर निकाल दें उस ट्रे से, और पानी जब मर जाए सूख जाए पूरा, तो अब आप बकरियों को खिलाएं। देखिए सभी बकरियां खा रही है कितनी चाव से, देखिए देखिए रह रहा है ना कैसे जड़ के साथ ही पूरा, गाभिन मेरी जो बकरी जो बता रहा था मैं, जड़ के साथ ही खा रही है पूरा, देखिए दाना भी खा रही है, इसे दाना भी मिल रहा है, जड़ से फाइबर भी मिल रहा है, और पत्तों से हरियाली भी मिल रही है, तो मतलब हर एक चीज़ उससे मिल जाएगा आपको। देखिए सभी बकरियाँ खा रही है, देखिए बिल्कुल चाव से, ऐसा नहीं कोई ना खाओ, तो ऐसा आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, इससे बकरियों का ग्रोथ भी होगा। इधर भी देखिए हमने डाला है, तो इधर भी जो बकरियाँ कुछ बाहर आकर खा रही हैं, तो सभी बकरियाँ खाएंगी और बहुत चाव से खाएंगी, तो ऐसा आप कर सकते हैं, इसे बकरियों का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, ठीक ना। तो फुल वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी कैसे मैंने बनाया था।